अभी हम कुछ दिन पहले हमने देखा कि पोलार्ड जो है वो कम से कम एक डेढ़ फीट आगे थे मोहम्मद शामी बॉल डालने से पहले वो मेरे हिसाब से चीटिंग है आई एम सॉरी कि मैं बहुत दिन बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूं लेकिन अब से ये मेरा काइंड ऑफ प्रॉमिस रहा कि मैं कोशिश जरूर करूंगा कि मैं रेगुलरली वीडियो डाल पाऊं और मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर करूं और आपके जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं उससे भी मैं कुछ सीख पाऊं तो चलिए आज डीप पॉइंट में हम बात करते हैं जो हम अबूमन बात करते हैं नॉन स्ट्राइकर्स जो है वो पहले जो निकल जाते हैं अभी हम कुछ दिन पहले हमने देखा कि पोलार्ड जो है वो कम से कम एक डेढ़ फीट आगे थे मोहम्मद शामी बॉल डालने से पहले वो मेरे हिसाब से चीटिंग है क्योंकि अगर आप थोड़ा सा आप बाहर निकले दो इंच छः इंच वो मैं मान सकता हूं कि आप यू नो यू वॉन्ट अटेंटिव तो आप निकल गए हैं और फ्लो के साथ लेकिन अगर आप एक डेढ़ फीट आगे हैं और खासकर इस टाइम पे जहां पे थर्ड अंपायर से हम एक इंच भी अगर एक इंच क्या मिलीमीटर भी कम होता है तो थर्ड अंपायर आउट दे देते हैं तो वहां पे ये एक फीट डेढ़ फीट का जो एडवांटेज है वो बहुत ज्यादा है और जैसे मैंने कहा वो मेरे हिसाब से चीटिंग है तो क्या कर सकते हैं इस इसके बारे में देखिए सबसे पहले चीज तो है कि उसको आज तक इनफॉर्मली जो है नाम दिया गया है वो मेरे ख्याल से आ, काफी लोग मानेंगे कि ये गलत बात है क्योंकि एक वो एक नेगेटिव कॉनोटेशन आ जाता है एक लेजेंड के नाम के साथ वीनू मनकड़ साहब बहुत बड़े खिलाड़ी थे वहा तो बेस्ट ऑलराउंडर्स इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस्ड तो मुझे नहीं लगता कि उनका जो नाम वो ऐसे एक नेगेटिव चीज के साथ जुड़ा हो तो वो आप स्वाभाविक नॉर्मल रनआउट कह सकते हैं जैसे हम मबूमन कहते हैं कि आप क्रीज से अगर कोई आउट कर देता और क्रीज के बाहर है तो आप रनआउट कहते हैं राइट तो सबसे पहली बात जो है वो आप नाम चेंज कर सकते हैं और उसको सिर्फ रनआउट जो नॉर्मल रनआउट होता है वो कह सकते हैं ये एक अब दूसरी बात आप रोकेंगे कैसे जो नॉन स्ट्राइकर हैं वो बाहर ना निकले से रोके कैसे देखिए यहां पे मैं थोड़ा सा और इन्वॉल्वमेंट चाहूंगा थर्ड अंपायर का वैसे ही आप देख रहे हैं नो बॉल राइट अगर नो no बॉल हो जाता है तो वो वैसी थर्ड अंपायर आपको बता देते हैं कि भैया नो बॉल है पैर बाहर था तो आप फ्री हिट करते हैं राइट बैट्समैन को फ्री हिट मिलता है यहीं पे आप थर्ड अंपायर को कह सकते हैं कि भैया आप अगर देखें कि जो लाइन के बाहर अगर पॉइंट ऑफ रिलीज पे बैट्समैन बाहर है तो वो फ्री बॉल होगा जैसे बैट्समैन को फ्री हिट मिलता है ही बोलर को फ्री बॉल होगा उसका मतलब ये के रन जो भी बनेंगे वो इंक्लूड नहीं होंगे लेकिन उस गेंद पर अगर विकेट गिरता है तो वो आप जरूर बैट्समैन माफ कीजिएगा बॉलर को आप दे सकते हैं तो मेरा ये मानना है कि अगर नो बॉल पे अगर नो बॉल पे फ्री हिट हो सकता है फ्रंट फुट जो नो बॉल है तो वहीं पे अगर नॉन स्ट्राइकर क्रीज के बाहर जाए तो वहां पर फ्री बॉल भी हो सकता है जहां पर फायदा वो बॉलर को मिलेगा और आप ये ये भी पूछ सकते हैं और ये कह सकते हैं आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि फिर थर्ड अंपायर क्योंकि थर्ड अंपायर एनी जो है वो हर एक बॉल चेक करता है हर एक बॉल थर्ड अंपायर चेक करता है और उस हिसाब से ऑन फील्ड अंपायर को बताता है नो बॉल है या नहीं है तो वही चीज दोबारा थर्ड अंपायर के हाथ में ये भी दे दिया जाए और इसमें आप तो दोबारा बॉल करने की जरूरत नहीं है बॉल वही रहेगा लीगल बॉल रहेगा नो no बॉल या कुछ नहीं होगा बस फ्री बॉल हो जाएगा बैट्समैन को कोई फायदा नहीं होगा उस गेंद से जो भी होगा वो बॉलर के हित में जाएगा ये मेरे सल्यूशन हैं दो क्योंकि ये चीज जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है और मेरे हिसाब से ये जो एडवांटेज है ये बैट्समैन को नहीं देना चाहिए आपके क्या व्यूज हैं आप क्या सोचते हैं इस बारे में इस आइडिया के बारे में या कोई अलग आपके पास ओपिनियन हो तो प्लीज डू लेट मी नो आपको पता है मेरे सोशल मीडिया जो हैंडल्स हैं वहां पे आप इन्वॉल्व हो सकते हैं या इस वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है उस पर जा सकते हैं साथ में जरूर जो है जैसे मैंने कहा कि आई विल ट्राई एंड बी वेरी रेगुलर ऑन दिस प्लेटफॉर्म तो यू नो डू सब्सक्राइब